नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि इंट्रोडक्टरी लेसन में मैं आपको बता चुका हूं कि हम सितंबर 2017 के राजस्थान करंट अफेयर्स से शुरुआत करेंगे इस कोर्स की, तो ये पहला लेसन है, पार्ट वन है सितंबर 2017 राजस्थान करंट अफेयर्स का। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं हम इन करंट अफेयर्स को। और दोस्तों, पहला जो करंट अफेयर है वो मैंने अपने ही क्षेत्र से लिया है, यानी कि हनुमानगढ़ जिले से लिया है। अपने क्षेत्र से हर किसी को कुछ विशेष लगाव होता ही है, ठीक है। तो शुरुआत हम हनुमानगढ़ की खबर से या करंट अफेयर से करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान में नहर पर बना प्रदेश का पहला सोलर पावर प्लांट कहां पर स्थापित है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। तो नहर पर बना प्रदेश का पहला सोलर पावर प्लांट हनुमानगढ़ जिले के गांव मैनावाली में स्थापित किया गया है। ये गुजरात की नर्मदा नहर की तर्ज पर स्थापित किया गया है। दोस्तों, राजस्थान के मैनावाली गांव में मैनावाली माइनर है दोस्तों, ठीक है। ये जो छोटी नहर होती है उसे माइनर कहते हैं, तो ये मैनावाली माइनर है। इसके ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं इस नहर के ऊपर। और ये जो पावर प्लांट है दोस्तों, ये 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे प्रदेश का पहला ऐसा सोलर पावर प्लांट है जो नहर के ऊपर लगाया गया है, और देश का ये दूसरा है दोस्तों, ठीक है। देश का पहला गुजरात में नर्मदा नहर के ऊपर लगाया गया था। तो दोस्तों, ये जो हमारा राजस्थान वाला ये जो मैनावाली माइनर पावर प्लांट है, इससे जो बिजली मिल रही है वो मिल रही है नौरंगदेसर जीएसएस को, ठीक है। नौरंगदेसर एक गांव है हनुमानगढ़ जिले में, तो नौरंगदेसर जीएसएस को बिजली मिल रही है मैनावाली माइनर से। और इस प्लांट के लिए राजस्थान रेनोवेशन एनर्जी कॉरपोरेशन की ओर से एजीबी सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ 25 साल का एमओयू किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि मैनावाली माइनर ये पूरे देश का दूसरा ऐसा सोलर पावर प्लांट है जहां नहर के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, ठीक है। और ये जो पावर प्लांट है, इसका शुभारंभ हुआ था 20 सितंबर 2017 को। और ये दोस्तों, ये फैक्ट मैं पहले बता ही चुका हूं कि ये देश का दूसरा और प्रदेश का पहला ऐसा पावर प्लांट है। और जो पहला पावर प्लांट था देश का, वो दोस्तों गुजरात में नर्मदा नहर पर, जो नर्मदा नदी के पानी से चलती है, ठीक है, तो वहां पर लगाया गया था 2012 में। उस वक्त इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो कि उस वक्त गुजरात के सीएम थे, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से ये हमारा आज का पहला करंट अफेयर है। और इससे आगे दोस्तों, ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी के बारे में ये खबर थी सितंबर महीने में। गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जोधपुर से सांसद हैं, लोकसभा मेंबर हैं, ये केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल हो गए हैं, ठीक है। 3 सितंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल का तीसरा विस्तार हुआ था दोस्तों। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के तीसरे विस्तार में गजेंद्र सिंह शेखावत को कृषि व कृषक कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं, वो केंद्रीय मंत्री तो बन ही गए हैं, ठीक है, कृषि व कृषक कल्याण राज्य मंत्री। इसके साथ ही वो संसदीय वित्त समिति जो है उसके सदस्य भी बने हैं, और साथ ही फेलोशिप समिति के चेयरमैन भी बन गए हैं। तो इस प्रकार से ये उपलब्धियां हासिल की हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। और साथ ही अगर राजस्थान का कोई लोकसभा मेंबर इस तरह से उपलब्धि हासिल कर रहा है, तो ये स्टेट के लिए भी एक उपलब्धि है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, इनके मंत्री बनने के साथ ही अब राजस्थान से 7 मंत्री हो चुके हैं केंद्रीय मंत्री परिषद में, ठीक है। राजस्थान से 7 सांसद अब केंद्रीय मंत्री हैं। कैसे, ये दोस्तों आप सभी के नाम आप यहां पर देख सकते हैं। ये 5 नाम आप पहले यहां पर देख लीजिए। ये जो विजय गोयल जी हैं, ये राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल जी, सीआर चौधरी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये पीपी चौधरी, सभी के मंत्रालय भी दोस्तों उनके सामने लिखे हुए हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। और दोस्तों, ये बता दूं कि ये जो विजय गोयल हैं, वैसे मूल रूप से तो दिल्ली के हैं, है ना, दिल्ली से अक्सर ये चुनाव भी लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार ये राज्यसभा मेंबर ये राजस्थान से बने हैं, ठीक है, इसलिए हम इन्हें राजस्थान से मंत्री गिन रहे हैं, ठीक है। तो ये राजस्थान से ही मंत्री हैं, राज्यसभा मेंबर हैं। तो इस तरह से दोस्तों, ये 5 के 5 इनके विभाग आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी के जो 2 मंत्री हैं वो दोस्तों ये हैं, केजे अल्फोंस,
ठीक है, ये राज्यसभा मेंबर है, ये पर्यटन राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, और ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो सातवें नंबर पर राजस्थान की ओर से जो मंत्री बने हैं केंद्र में, दोस्तों इनके पास है कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री है ये, ठीक है। और दोस्तों ये जो केजे अल्फोंस हैं, वैसे ये केरल से हैं मूलतया, लेकिन राज्यसभा सांसद ये राजस्थान से बने हैं, ठीक है, ये केरल से हैं केजे अल्फोंस, लेकिन राज्यसभा सांसद ये राजस्थान से बने हैं, इसलिए हमारे राजस्थान से अब सात मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री परिषद में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात को। आगे अगली न्यूज है दोस्तों, पहला राष्ट्रीय आयुर्वेद युवा महोत्सव ये जयपुर में हुआ था 14 से 16 सितंबर 2017 को, ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा अगर इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए कि पहला राष्ट्रीय आयुर्वेद युवा महोत्सव कहां पर हुआ था, तो दोस्तों ये जयपुर में हुआ था 16 से 14 सितंबर 2017 को, और देश भर से 150 से अधिक आयुर्वेद संस्थाओं के लगभग 3000 आयुर्वेदाचार्यों ने इस महोत्सव में भाग लिया था। और दोस्तों खास बात क्या है इस महोत्सव की, ये तो बात हम कर ही चुके हैं, साथ ही ये जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर है दोस्तों, इसके बारे में यहां पर जानकारी है आपके लिए कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर जो है, इसकी जो आरोग्यशाला है उसको NABH सर्टिफिकेट मिला हुआ है दोस्तों। अब ये NABH क्या है, ये यहां पर दिया हुआ है दोस्तों, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट आयुष के क्षेत्र में मिला है इस संस्थान को, और आयुष क्षेत्र में ये पहला ऐसा संस्थान है जिसे NABH सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, NABH सर्टिफिकेट मिला है, तो दोस्तों इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, और ये जो NABH है इसकी फुल फॉर्म को भी थोड़ा आप ध्यान में रख लें। आगे बढ़ते हैं, अब स्वच्छता ही सेवा अभियान, दोस्तों ये अभियान शुरू किया गया था पिछले साल, कुछ समय के लिए ये अभियान चला था, आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चल ही रहा है, और उसी के साथ जुड़ा हुआ ये अभियान शुरू किया गया था, और इस अभियान की शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2017 को, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है ना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है, तो इसीलिए स्वच्छता ही सेवा अभियान इस दिन शुरू किया गया था, और राजस्थान में दोस्तों इसे जयपुर एयरपोर्ट से शुरू किया गया, सीएम वसुंधरा राजे के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पर, ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान राजस्थान में कहां से शुरू हुआ था। अब दोस्तों ये स्टेट हैंगर क्या है, अब ये स्टेट हैंगर आमतौर पर दोस्तों जो ये स्टेट हैंगर होता है, ये कोई भी जो एयरपोर्ट है दोस्तों, एयरपोर्ट पर जो VVIP जो मूवमेंट्स होती हैं उनके लिए ये स्टेट हैंगर बनाया जाता है, मतलब किसी VVIP, ठीक है, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पर्सन है VIP से भी बढ़कर VVIP, जो VVIPs हैं उनको लाने ले जाने के लिए जो विमान चलते हैं या जो उनके लिए जो स्पेशल टर्मिनल बना होता है, तो सभी को मिलाकर जो व्यवस्था की जाती है उसे कहते हैं दोस्तों स्टेट हैंगर, ठीक है, तो इस स्टेट हैंगर से स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत राजस्थान में हुई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब बात कर लेते हैं मथुरा दास माथुर पुरस्कारों की। मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड ये हर साल दोस्तों राजस्थान में दिए जाते हैं राजस्थान के श्रेष्ठ क्रिकेटर्स को, ठीक है, उभरते हुए क्रिकेटर्स को, तो मथुरा दास माथुर पुरस्कार 2017 के लिए राजस्थान के जिन क्रिकेटर्स को मिले हैं उनके नाम आपके सामने हैं। सीनियर वर्ग में मिला है महिपाल लोमरोड को, ये ऑलराउंडर हैं। जूनियर वर्ग में मिला है कमलेश नागरकोठी को, ये भी ऑलराउंडर हैं। और सब जूनियर वर्ग में मिला है करण लांबा को, ये बैट्समैन हैं। तो दोस्तों इस तरह से राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर्स को मथुरा दास माथुर अवार्ड दिया जाता है हर साल। मथुरा दास माथुर दोस्तों राजस्थान के बहुत ही सीनियर राजनीतिज्ञ रहे हैं, ये राजस्थान के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं किसी समय, और इवन मारवाड़ रियासत के भी ये मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे ये लाइफ लाइन एक्सप्रेस, ठीक है, ये लाइफ लाइन एक्सप्रेस से जुड़ी हुई खबर है। लाइफ लाइन एक्सप्रेस ये दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है दोस्तों, ठीक है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस, और ये राजस्थान में आई पिछले दिनों 26 सितंबर से 18 अक्टूबर 2017 तक ये बाड़मेर जिले में रही है। लाइफलाइन एक्सप्रेस दोस्तों ये एक ऐसी ट्रेन है जिसमें कैंसर रोगियों का उपचार किया जाता है, ठीक है, और दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है, तो इसमें गरीब कैंसर मरीजों को महंगे इलाज से
निजात दिलाने के लिए भारत सरकार ने ये ट्रेन विशेष तौर पर चलाई है। बहुत ही शानदार ये कदम है भारत सरकार का। काफी टाइम से दोस्तों ये लाइफलाइन एक्सप्रेस चल रही है, जिससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप बता दीजिएगा कि कैंसर से जुड़े हुए मरीजों का इलाज किया जाता है। और कैंसर के अलावा दोस्तों जो अन्य बीमारियां हैं उनका भी उपचार इस ट्रेन में होता है, ऑपरेशन वगैरह भी होते हैं। और ये जानकारी भी है दोस्तों आपके लिए कि बाड़मेर राज्य का सर्वाधिक कैंसर ग्रस्त जिला है। ठीक है, सर्वाधिक कैंसर ग्रस्त जो रोगी हैं, कैंसर के जो रोगी हैं वो बाड़मेर जिले में हैं। इसके अलावा बीकानेर और गंगानगर जो जिले हैं दोस्तों ये भी काफी ज्यादा कैंसर प्रभावित हैं। ठीक है, यहां पर भी लोग काफी कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। और ये जानकारी मिली है दोस्तों इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के एक सर्वे के द्वारा। ठीक है, इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन है दोस्तों, ये राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत काम करती है। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन, ये राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत काम करती है। ये इसी का सर्वे है, इसने बताया है कि बाड़मेर में सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी हैं। इसके अलावा बीकानेर और गंगानगर में भी कैंसर के रोगी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर लाइफ लाइन एक्सप्रेस को जरूर याद रखिएगा कि ये किस काम आती है ये ट्रेन। ठीक है, और ये बाड़मेर के बारे में जो जानकारी है ये भी याद रखिएगा। आगे, राजस्थान की चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे को बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड मिला है दोस्तों। पिछले साल स्कॉच अवार्ड है ये। ठीक है, स्कॉच ग्रुप की ओर से अवार्ड दिया जाता है, तो स्कॉच ग्रुप की ओर से राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड दिया गया है। ये 9 सितंबर 2017 को ये अवार्ड दिया गया। दिल्ली के अंदर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर एक प्रोग्राम किया गया, वहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ये अवार्ड दिया गया। और इसके साथ ही दोस्तों राजस्थान को माफ कीजिएगा, राजस्थान को स्टेट ऑफ द ईयर का स्कॉच अवार्ड भी मिला है साथ ही साथ। और वसुंधरा राजे को जो ये अवार्ड मिला है दोस्तों किन कारणों से मिला है, ये दोस्तों इसलिए मिला है, गुड गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और महिला स्वावलंबन जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य किया है राजस्थान की मुख्यमंत्री ने। और इनके बेहतर कार्य और उपलब्धियों के कारण राजस्थान जो है वो लगातार तरक्की कर रहा है और बीमारू प्रदेशों की श्रेणी से बाहर आया है, इसलिए चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे को ये सम्मान दिया गया है। और दोस्तों राजस्थान को विभिन्न 57 श्रेणियों के अंदर अवार्ड मिले हैं दोस्तों। ठीक है, ये स्कॉच अवार्ड कई श्रेणियों में दिए गए हैं, उनमें 57 श्रेणियां हैं, 57 श्रेणियां हैं, उनमें राजस्थान को स्कॉच अवार्ड्स मिले हैं। जो मुख्य अवार्ड है दोस्तों वो ये याद रखिए, जो चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे को मिला है बेस्ट चीफ मिनिस्टर का, और राजस्थान को मिला है स्टेट ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो दोस्तों इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये जो अगला जो करंट अफेयर्स है ये है रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ, एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। ये दोस्तों एक तोप का नाम है और ये जो तोप है इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 47.2 किलोमीटर की दूरी तक गोला दागा गया इस तोप के जरिए। इस तोप का नाम आप याद रखिएगा, इतनी दूरी तक गोला कभी भी नहीं दागा गया किसी तोप से। तो भारतीय सेना द्वारा ये कारनामा किया गया पोकरण में। ठीक है, पोकरण में अभ्यास के दौरान एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम नामक तोप से 47.2 किलोमीटर की दूरी तक गोला दागा गया और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और दोस्तों इस तोप में जो बारूद इस्तेमाल होता है हुआ है उसका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, हाई एक्सप्लोजिव बेस ब्लीड नाम का ये बारूद है जो इस्तेमाल किया गया इस गोले को दागने के लिए। और दोस्तों बताया गया कि इसी बारूद के जरिए अब तक 40 से 42 किलोमीटर तक ही गोला दागा गया था, लेकिन इस बारूद के जरिए पहली बार ऐसा हुआ है कि 47 किलोमीटर से भी ज्यादा का गोला दागा गया है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, तोप का नाम और ये जो बारूद का नाम है वो भी याद रख लीजिएगा। इसके आगे दोस्तों बढ़ते हैं, ये भी रक्षा क्षेत्र की ही न्यूज है। इसमें है कि स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ये दोस्तों इसका नाम है ALH रुद्र। तो स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर ALH रुद्र देश में पहली बार जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया गया है। ठीक है, और पूरा नाम दोस्तों यहां पर दिया गया है ALH Mark 4 रुद्र। तो ALH का मतलब है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। ठीक है, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर Mark 4 रुद्र ये जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया गया है देश में पहली बार, यानी कि देश में इससे पहले किसी भी और एयरबेस पर इस लाइट हेलीकॉप्टर को तैनात नहीं किया गया था। ठीक है, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है ये,
26 सितंबर 2017 को जोधपुर एयरबेस पर इसे तैनात किया गया और इसकी खासियतें हैं कि जमीन और हवा में दुश्मन को मार गिराने में ये सक्षम है। दोस्तों इस हेलीकॉप्टर से पहले जोधपुर एयरबेस पर जो हेलीकॉप्टर तैनात था वो था ध्रुव, ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा कि ALH मार्क 4 रुद्र से पहले जोधपुर एयरबेस पर रुद्र ध्रुव नाम का हेलीकॉप्टर तैनात था जो कि 3 साल तक यहां तैनात रहा है, लेकिन अभी ALH रुद्र यहां पर तैनात कर दिया गया है। तो दोस्तों ये न्यूज है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये व्यापार जगत की खबर, अर्थ जगत की खबर इसे कह सकते हैं। नीमराना, ठीक है, अलवर जिले के अंदर नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में कौशल विकास केंद्र के रूप में जापान इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की जाएगी, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि जापान इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना कहां की जा रही है, तो याद रखिएगा कि नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में जापान इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की जा रही है कौशल विकास केंद्र के रूप में, ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ये क्यों की जा रही है, क्योंकि नवंबर 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान की यात्रा की थी और उस दौरान जापान के साथ एक MOU हुआ था, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया था जापान के साथ, उसी के तहत इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है नीमराना में। और यहां पर क्या होगा कि अगले 10 वर्षों में 30,000 इंजीनियर और तकनीकी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस न्यूज को। और आगे बढ़ते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर, दोस्तों ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर, इसके बारे में मैं डिटेल में योजना वाले कोर्स में लेसन बना चुका हूं, ठीक है, तो वो लेसन आप देख सकते हैं, मैं यहां पर ऊपर आपको लिंक भी दे रहा हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर के बारे में पूरी डिटेल जानकारी है, ठीक है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर के दूसरे चरण की शुरुआत बताई गई है यहां पर कि 27 सितंबर 2017 से हुई थी और तीसरा चरण भी यहां पर बताई दिया है कि 13 दिसंबर 2017 से चला था, ठीक है, लेकिन डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हैं उस लेसन में जाकर योजनाओं वाले कोर्स में। आगे, विशेष योग्यजनों को बेहतर शिक्षा देने के लिए जयपुर के जामडोली में एक विशेष अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि विशेष योग्यजनों के लिए, स्पेशली एबल्ड जो पर्सन है, ठीक है, जो स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं उनके लिए विशेष इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है जयपुर के जामडोली में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है, और इसकी घोषणा CM वसुंधरा राजे के द्वारा की गई है। अब दोस्तों इस तरह की यूनिवर्सिटी देश में एक यूनिवर्सिटी पहले से है जिसका नाम है जगत गुरु राम भद्राचार्य यूनिवर्सिटी, ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य, आगे पूरा राम भद्राचार्य यूनिवर्सिटी, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है, ठीक है, तो ये पहली यूनिवर्सिटी है स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, तो ये भी याद रख लीजिएगा। बाकी राजस्थान में कौन सी खोली जा रही है, तो दोस्तों इसका भी ध्यान रख लीजिए, जयपुर के जामडोली में खोली जा रही है और ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी होगी स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए, और इवन दोस्तों आने वाले दिनों में केंद्र सरकार भी खोलने जा रही है स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए एक यूनिवर्सिटी। आगे ये न्यूज है दोस्तों, उदयपुर जिले की गिरवा तहसील के मोखानिया में राजस्थान का 8वां पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खोला जा रहा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उदयपुर जिला है और गिरवा तहसील के मोखानिया नामक जगह पर, ठीक है, तो ये मोखानिया नामक जगह ये ध्यान रखिएगा आप, मोखानिया में राजस्थान का 8वां पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खोला जा रहा है। मोखानिया कहां पर है, ये उदयपुर जिले में है, उदयपुर जिले की गिरवा तहसील में है, ठीक है। इसके पहले दोस्तों जो 7 और जो ट्रेनिंग स्कूल है, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, वो बता दिए हैं यहां पर कि कहां कहां पर है, अलवर में, भरतपुर, बीकानेर, झालावाड़, जोधपुर, खैरवाड़ा और किशनगढ़, ठीक है, तो ये 7 पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पहले से हैं इन 7 जगहों पर और 8वां पुलिस ट्रेनिंग स्कूल यहां पर खोला जा रहा है। और दोस्तों इसके अलावा अफसर और कमांडो ट्रेनिंग के लिए जोधपुर में राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पहले से है, ठीक है, अफसर और कमांडो ट्रेनिंग के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और इसके अलावा जयपुर में पुलिस अकादमी पहले से है, दोस्तों ये जानकारी है आप लोगों के लिए। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बेहतरीन विज्ञापन के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार ये राजस्थान को मिले हैं दोस्तों, ठीक है, ये राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिले हैं राजस्थान को 27 सितंबर 2017 को, ये 19 लिख दिया गया, तो 27 सितंबर 2017 को ये अवार्ड मिले हैं राजस्थान को। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है दोस्तों 27 सितंबर को, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2017 को राजस्थान पर्यटन विभाग को एक अवार्ड तो दोस्तों मिला है बेस्ट प्रमोशनल फिल्म के लिए, ठीक है,
मतलब टूरिज्म के ऊपर बेस्ट प्रमोशनल फिल्म के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है, पर्यटन फिल्म्स की श्रेणी में, ठीक है, पर्यटन फिल्म प्रमोशन का प्रथम पुरस्कार मिला है राजस्थान को। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बेस्ट टूरिज्म प्रमोशनल फिल्म, बेस्ट टूरिज्म प्रमोशनल फिल्म का प्रथम अवार्ड मिला है, ठीक है, बेस्ट का मतलब ही प्रथम है ना, तो ये राजस्थान को मिला है। इसके अलावा दोस्तों एक और अवार्ड है, वो बेस्ट श्रेणी में है, ठीक है, बेस्ट स्टेट श्रेणी में पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए, बेस्ट स्टेट श्रेणी में पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए देश भर में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है, ठीक है। तो इन दोनों अवार्ड्स को ध्यान में रखिएगा, ये दोनों अवार्ड राजस्थान के पर्यटन विभाग को मिले हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के दिन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर ही कुछ और अवार्ड्स भी दिए गए हैं। वो अवार्ड कैसे हैं राजस्थान को मिले हैं दोस्तों, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर राजस्थान को 3 अन्य श्रेणियों में भी पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। कैसे ये दोस्तों, ये राजस्थान के होटल्स को सम्मानित किया गया है, कैसे, जो बेस्ट होटल 5 स्टार डीलक्स श्रेणी में, ये दोस्तों मिला है अवार्ड द ओबेरॉय विलास उदयपुर को। इसके अलावा बेस्ट होटल ग्रांड कैटेगरी के तहत ये फतेह प्रकाश पैलेस है, ये भी उदयपुर का, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट इन बेसिक कैटेगरी जो होटल है, ये सामोद हवेली गंगापोल जयपुर। दोस्तों ये भी याद रख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर राजस्थान को, राजस्थान की होटल्स को, ठीक है, ये 3 अवार्ड और मिले हैं, ठीक है। ये बेस्ट स्टेट बेस्ट होटल 5 स्टार डीलक्स का अवार्ड, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये अवार्ड दिए गए हैं हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा, और साथ ही मौजूद रहे थे जो केजे अल्फोंस हैं, जिनके पास पर्यटन मंत्रालय का प्रभार है, मतलब राज्य मंत्री है पर्यटन मंत्रालय में, ठीक है। तो केजे अल्फोंस को के द्वारा भी ये अवार्ड दिए गए, और राजस्थान की ओर से इन अवार्ड्स को रिसीव किया था राजस्थान की पर्यटन मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा, और उनके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव निहाल चंद गोयल ने, ठीक है। तो बाकी ये सचिव का नाम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राजस्थान की पर्यटन मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा, और क्या क्या अवार्ड मिले हैं ये ध्यान में रखने जरूरी है। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस लेसन में इतना ही। तो दोस्तों ये हमारा था सितंबर 2017 के करंट अफेयर्स का पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। हर महीने के जो जैसे दोस्तों अब सितंबर के करंट अफेयर्स हैं, तो 2 या 3 इसके पार्ट आएंगे, और इस तरह से सितंबर के करंट अफेयर्स पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से जो भी जिस भी महीने के करंट अफेयर्स चलेंगे 2 या 3 पार्ट्स में, उस महीने के करंट अफेयर्स पूरे हो जाया करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा कोर्स चलेगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला लेसन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इन लेसन को। धन्यवाद दोस्तों।